मोदी की 10 साल में बड़ी संपत्ति। हलफनामे में कुल संपत्ति का खुलासा, ना कार ना जमीन और ना ही कोई घर, फिर भी करोड़ों के मालिक पीएम मोदी। कहां कहां किया इन्वेस्ट, कहां से कमाया धन। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन कर दिया है। इस बार उनकी पार्टी जीती तो तीसरी बार पीएम बनना तय है। गुजरात में 3 बार सीएम, देश के 2 बार पीएम रहे मोदी ने नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। हलफनामे के मुताबिक करोड़पति हैं, हालांकि उनके पास घर कार जमीन नहीं है, लेकिन बैंक और नगद मिलाकर संपत्ति करोड़ों में है। वाराणसी में मंगलवार को पीएम मोदी ने पूरे साजबाज के साथ नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ एनडीए के मुख्यमंत्रियों के अलावा भाजपा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के घटक दलों के नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी हलफनामों में कई जानकारी साझा करते हुए अपनी कुल संपत्ति भी बताई है। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का खुलासा किया है, साथ ही एफिडेविट में संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक उनके पास ना कोई कार है, ना कोई जमीन है और ना ही कोई घर है, लेकिन फिर भी वह करोड़ों के मालिक हैं। सबसे पहले नकदी की बात करें तो पीएम मोदी के पास 52,000 रुपये कैश है। इसके बाद उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 खाते हैं, जिनमें से एक गांधीनगर में है तो दूसरा खाता वाराणसी के शिवाजी नगर शाखा में। पीएम मोदी के गुजरात वाले बैंक अकाउंट में 73,304 और वाराणसी वाले खाते में सिर्फ 7,000 रुपये हैं। SBI में ही पीएम मोदी की 2,85,60,338 रुपये की फिक्स डिपॉजिट भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के भी 9,12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इन सब के अलावा चल संपत्ति में उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनका वजन कुल 45 ग्राम और कीमत 2,67,750 रुपये है। प्रधानमंत्री मोदी के हलफनामे के अनुसार उनके पास ना कोई घर है ना ही कोई जमीन, फिर भी ऐसे में कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपये है। हलफनामे के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल पीएम मोदी की कुल संपत्ति में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 2,85,00,000 रुपये से बढ़कर 3 करोड़ से की ज़्यादा हो गई है। पिछले साल में उनकी नेटवर्थ में 22,00,000 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें कि वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है, जिसमें कांग्रेस ने अजय राय को और बसपा ने इस सीट से अथर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल पीएम मोदी वाराणसी से अपनी हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में आ चुके हैं। देखना होगा विपक्षी दलों के उम्मीदवार पीएम के सामने क्या कुछ कर पाते हैं।